18 मार्च 1984 की रात को जापान की ग्लायको कंपनी के मालिक को रात में उसी के घर में घुसकर किडनैप कर लिया जाता है। ग्लायको कंपनी बच्चों की कैंडी बनाती थी और किडनैपिंग से पहले जब ग्लायको कंपनी के मालिक इजेकी ग्लायको की बीवी ने किडनैपर से रिक्वेस्ट की कि आपको जितना पैसा चाहिए उतना ले लो, तो किडनैपर्स ने 1 रुपया लेने से भी मना कर दिया क्योंकि वो तो यहाँ पर कुछ और ही करने आए थे। जिस समय इजेकी को किडनैप किया गया उस समय वो बिल्कुल नंगा था। वो घर की बाथरूम में बाथटब के अंदर था और अपने 2 छोटे-छोटे बच्चों के साथ खेल रहा था, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके साथ जो होने वाला है वो जापान के इतिहास का सबसे खतरनाक केस बन जाएगा और उस केस का नाम है द मॉन्स्टर विद 21 फेसेस। इस केस को 40 साल हो चुके हैं लेकिन आज तक जापान की पुलिस पता नहीं लगा पाई है कि ये जो घटना हुई थी उसके पीछे आखिर कौन रिस्पॉन्सिबल था, कौन था मॉन्स्टर विद 21 फेसेस। और ये जो केस था इसमें इतने ट्विस्ट थे कि इसने जापान की नहीं पूरी दुनिया की पुलिस को हिलाकर रख दिया था। जापान की सबसे बड़ी कैंडी बनाने वाली कंपनी के मालिक इजेकी ग्लायको को 18 मार्च 1984 को उसी के घर से नंगी हालत में किडनैप किया जाता है। उसकी 70 साल की माँ और उसकी बीवी को घर में टेलीफोन के वायर से बांध कर वहीं छोड़ दिया जाता है और किडनैपिंग के बाद मांग की जाती है 1 बिलियन येन और 100 किलो सोने की। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं थी। इजेकी को किडनैप करके एक बहुत ही सुनसान जगह पर खाली मकान के अंदर रखा गया था और कंपनी वालों के पास किडनैपिंग की रकम देने के लिए 2 दिन का समय था, लेकिन उससे पहले ही इजेकी पता नहीं कैसे अपने आप उन किडनैपर्स की कैद से छूट जाता है और वो पहुंचता है अपने घर पर, जहां पर पुलिस बुलाकर वो पूरा केस बता देता है कि किस तरीके से उसको किडनैप किया गया था, उसको कहां पर रखा गया था और वो कैसे उन किडनैपर से नजर बचाकर भाग आया। शुरू में तो सबको लगा कि केस सॉल्व हो चुका है, इजेकी की जान बच गई, उसको किडनैपिंग के पैसे भी नहीं देने पड़े और अगले दिन न्यूज़पेपर में इजेकी की बहादुरी के किस्से छपे और साथ ही में उस न्यूज़पेपर में छपे हुए आर्टिकल ने किडनैपर्स की बेवकूफी का मजाक भी उड़ाया कि किस तरीके से उनके द्वारा की गई एक किडनैपिंग फेल हो गई और यहीं से कहानी में एक बहुत खतरनाक ट्विस्ट आया। इस घटना के 15 दिन बाद 8 अप्रैल के दिन जापान के पुलिस स्टेशन में एक लेटर आता है जिसका टाइटल था जापान के बेवकूफ पुलिस वालों के नाम। उस लेटर में लिखा हुआ था कि मैं तुम सबको चैलेंज करता हूं कि मुझे पकड़ कर दिखाओ, लेकिन मुझे तुम लोगों पर तरस आ रहा है, मुझे मालूम है कि तुम लोग इतने निकम्मे हो कि मुझ तक पहुंच नहीं सकते, इसलिए इस चिट्ठी में मैं कुछ हिंट देता हूं। मैं इजेकी का न दोस्त हूँ, न रिश्तेदार हूँ, न उसकी कंपनी में काम करता हूँ, न ही उसके फार्म हाउस पर काम करता हूँ, तो इन सब लोगों में मुझे मत ढूंढना। उसने अपनी उस कार का रंग भी बताया था जिसमें उसने उस रात को इजेकी को किडनैप किया था। उसी रात को उस किडनैपर ने एक शॉप से खाने का सामान पैक कराया था और उस लेटर में उस किडनैपर ने उस दुकान का नाम भी मेंशन किया और पुलिस को फिर से चैलेंज किया कि अगर तुम वाकई में पुलिस वाले हो तो मुझको पकड़ कर दिखाओ, लेकिन अगर तुम मुझे नहीं पकड़ पाओगे तो तुम एक टैक्स चोर हो। ये सुनने में किसी फिल्म की कहानी की तरह लग रही है। पुलिस वालों ने भी इस लेटर को हल्के में लिया क्योंकि उन्हें मालूम था इजेकी तो वापस आ चुका है, अब ये किडनैपर हमें यूं ही डराने की कोशिश कर रहा है। उस लेटर की सबसे लास्ट लाइन में उस किडनैपर ने अपना नाम भी लिखा था, जो नाम था द मॉन्स्टर विद 21 फेसेस। इस लेटर की एक कॉपी जापान के सबसे बड़े न्यूज़पेपर एजेंसी के पास भी पहुंची और अगले दिन छपी वो खबर जिससे पूरे शहर के सामने जापान के पुलिस डिपार्टमेंट की नाक कट गई, क्योंकि पूरे शहर को पता चल गया था कि इस किडनैपर ने जापानीज पुलिस डिपार्टमेंट को खुला चैलेंज दे दिया है। जापान की ही एक और बहुत फेमस कैंडी कंपनी थी जिसका नाम था मोरिंगा। 10 मई को उसको एक लेटर मिलता है जिसमें बताया जाता है कि उनकी कैंडीज में पोटेशियम साइनाइड मिलाकर अलग अलग स्टोर पर रखवा दिया गया है और अब जो भी उनकी कैंडीज को खाएगा वो मारा जाएगा। यही धमकी 1 नवम्बर को ग्लायको कंपनी के मालिक को भी मिलती है। लेटर में बताया गया था कि उनकी बहुत सारी कैंडीज के बॉक्सेस में जहर मिला दिया गया है और ये जहर मिली कैंडीज पूरे शहर में डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है। इन दोनों कंपनीज ने अपने पूरी कैंडीज को, पूरे स्टॉक को तुरंत मार्केट से वापस बुलवाया। जहर वाली कैंडी खाने की वजह से किसी की जान नहीं गई। लैब में जब इन कैंडीज की जांच हुई तो पता चला वाकई में किसी ने इन कैंडीज में जहर मिलाया था और इस घटना के बाद पूरे शहर में कैंडी बनाने वाली इन दोनों कंपनीज का नाम बदनाम हो गया। लोगों ने इनके प्रोडक्ट्स को खरीदना बिल्कुल बंद कर दिया, ये कंपनीज लॉस में जाने लगी। पुलिस ने इस पूरे केस को सुलझाने के लिए अगस्त 1985 तक करीब 1.5 लाख सस्पेक्ट्स को गिरफ्तार किया, उनसे पूछताछ की, लेकिन पुलिस को कोई भी क्लू नहीं मिला। एक पुलिस वाला जो इस पूरे केस को संभाल रहा था, अपनी इस नाकामी के कारण उसने
खुद को ऊपर पहुंचा लिया क्योंकि पूरे शहर में इन लोगों की बहुत बदनामी हो रही थी। इसी तरीके की घटनाएं बढ़ती गईं। कभी किसी कंपनी से $200 मिलियन की मांग कर ली जाती, कभी किसी कंपनी के प्रोडक्ट्स में जहर मिला दिया जाता। पुलिस ने बहुत सारे CCTVs में भी एक आदमी को कैप्चर किया जो जाकर कैंडीज के बॉक्सेस में कुछ मिला रहा था, लेकिन वो कभी किसी के हाथ नहीं आया। जब CCTV की फुटेज के आधार पर उसका स्केच बनाया गया तो वो कुछ ऐसा दिखाई देता था। पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लग रहा था। कंपनियां बर्बाद हो रही थी, लोगों को धमकियां मिल रही थी, खुलेआम जहर वाली कैंडीज मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी। और ये किडनैपर ऐसा क्यों कर रहा था, इसके पीछे इसका क्या उद्देश्य था, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन वो हमेशा अपने आने वाले मूव के बारे में एक लेटर लिखकर पुलिस को जरूर बताता था। वो पुलिस को चैलेंज करता था कि मैं ये करने वाला हूँ और अगर तुम में दम है तो मुझे रोक कर या मुझे पकड़ कर दिखाओ। और अपना नाम वो मेंशन करना नहीं भूलता था, जो था मॉन्स्टर विद 21 फेसेस। और इसका क्या मतलब था ये आज तक कोई नहीं जान पाया। लेकिन जब एक पुलिस वाले की इस केस की वजह से जान चली गई, तब इस किडनैपर ने एक लेटर लिखा जिसमें उसने बताया कि अब वो किसी को परेशान नहीं करेगा और इस पुलिस वाले की जान जाने का उसे बहुत दुख है। उसने लेटर में साफ साफ बताया कि वो आज के बाद कभी भी किसी को परेशान नहीं करेगा और अगर उसके नाम पर मॉन्स्टर विद 21 फेसेस के नाम पर कोई और क्राइम करता है तो ये पर्सन उसकी जिम्मेदारी नहीं लेता। उसने पुलिस को लेटर लिखकर बताया कि आज के बाद वो कभी भी किसी को किडनैप नहीं करेगा, किसी को परेशान नहीं करेगा, किसी भी तरीके की कोई गैर कानूनी हरकत नहीं करेगा। लेकिन उसने खुला चैलेंज पुलिस के सामने रखा था कि तुम चाहो तो मुझे अभी भी मेरे पुराने कामों के लिए गिरफ्तार कर सकते हो और मैं आप लोगों का इंतजार करूंगा। और इस केस को करीब 40 साल हो चुके हैं, लेकिन पुलिस वाले आज तक पता नहीं लगा पाए कि पुलिस को चैलेंज करने वाला ये किडनैपर, ये मॉन्स्टर विद 21 फेसेस वाला बंदा था कौन। वैसे भी जापान में रूल है कि अगर किसी क्राइम के लिए किसी क्रिमिनल को 25 साल तक पुलिस नहीं पकड़ पाती तो फिर वो बंदा उस क्रिमिनल ऑफेंस से बरी हो जाता है, मतलब फिर उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता 25 साल पहले किए गए क्राइम के लिए। और अब तो ऑलरेडी इन सारी घटनाओं को 40 साल हो चुके हैं, तो अगर ये बंदा आकर अभी अपना फेस रिवील भी कर देता है तो भी पुलिस उसको नहीं पकड़ सकती है, क्योंकि भैया 25 साल तो कब के बीत चुके। बहुत से लोगों को शक था इस केस के पीछे कि ये कोई बिजनेस कॉम्पिटिशन से रिलेटेड साजिश है, कोई नई कैंडी कंपनी वाला इन दोनों को बर्बाद करना चाहता होगा ताकि उसके प्रोडक्ट मार्केट में ज्यादा बिके। लेकिन पुलिस ने इस एंगल से भी बहुत ज्यादा जांच पड़ताल की थी, क्योंकि इस किडनैपर ने जिन इन दोनों कंपनीज के ऊपर अटैक किया था, ये कंपनीज के पास बहुत पैसा था और उन्होंने पुलिस वालों पर बहुत प्रेशर डाला था, लेकिन उसके बावजूद भी ये सभी लोग मिलकर कुछ भी पता नहीं लगा पाए। किसी को पता तक नहीं है कि आज वो किडनैपर जिंदा भी है या नहीं, लेकिन ये केस आज भी जिंदा है क्योंकि ये सॉल्व नहीं हो पाया है और इसको कहा जाता है जापान्स ग्रेटेस्ट अनसॉल्वड मिस्ट्री। सो दैट्स इट फॉर टुडे, अपना ध्यान रखना और हाँ, कोई भी कैंडी खाने से पहले उसे अपने दोस्त को खिलाकर कैंडी को जरूर चेक कर लेना। मिलते हैं अगले एक और तगड़े वीडियो में।